अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उज़्मा खान और आप देख रहे हैं फ्लाई 7 न्यूज़। आज हम आए हैं अमरूद नगर 21 नंबर बिल्डिंग। यहाँ पर इनकी समस्या ये है कि ये जो पीछे काम चल रहा है, ये बिल्डर का जो पीछे काम चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लोग जो रहते हैं, बिल्डिंग जो बनी हुई है यहाँ पे, लोगों को परेशानी हो रही है। ये परेशानी है कि आवाज़ें आती हैं और सब कुछ हिल जाता है। ये बात करना चाहते हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बात करना चाहते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको सही सही देंगे कि होता क्या है, किस तरीके से वो तकलीफ़ में हैं। तो आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम है मोहम्मद फजील मलिक। हाँ, मैं इधर 21 नंबर में रहता हूँ। उसमें क्या है कि ये पूरा दिन जो पूरा दिन है इसमें बहुत आवाज़ आती है ज़ोरों दस्त। उसमें कोई बीमार है या कुछ भी है, वो इरफान भाई ने भी बहुत भागो दौड़ी कर रहे हैं। 202 में रहते बी विंग में, इसके लिए ये थोड़ा आवाज़ कम करना चाहिए। कौन इस प्रतिक्रिया में कौन कौन साथ है यहाँ के लोग, क्या नाम है उनका? इरफान शेख और उनका डैडी का नाम है तवाब शेख। अच्छा, वो लोग इस प्रतिक्रिया में पूरा साथ दे रहे हैं। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में? वो ये सब बोलना चाहते हैं कि इसका आवाज़ बंद करना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया है अभी अभी तक, क्या एक्शन, मतलब लोगों से क्या है? पुलिस चौकी में गए थे कल पुलिस भी आई थी, आज भी आई थी, तभी उसकी वजह से भी आवाज़ बंद नहीं हुआ। अच्छा, तो पुलिस ने यहाँ पे आके क्या किया है, लोगों को यहाँ पे काम करने से रोका है कि क्या कर? उधर तो मैं गया भी नहीं था पुलिस के पास। अभी इधर सुबह से बहुत सिविल लोग भी बहुत जमा हुए हुए थे। अच्छा जी, तो कितने दिन से चालू है ये? ये कम से कम 20 दिन हो गए। 20 दिन से चालू है और यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है पुलिस स्टेशन में। हाँ, गोरेगांव पुलिस चौकी में। सर अपना नाम बताइए। इरफान तवाब शेख। इरफान, ये सेंटर्स जो सिटी मॉल बन रहा है, सिटी मॉल की यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी बिल्डिंग से इससे? क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये पूरा 20 से 25 मीटर की पाइलिंग कर रहा है। ठीक है, और ये मेरी बिल्डिंग है सामने 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर का जो प्लानिंग है, इसका फाउंडेशन डाला हुआ है 26 साल पुराना। हाँ, और ये पूरे अमरूद नगर का फाउंडेशन डाला हुआ है 1984 में। ओके, 36 साल पुराना। ठीक है, और ये 24 मीटर दूर है खाली मेरे से। इसके काम करने से, इसके पाइलिंग की वजह से, संडेक वाले की, हम लोग की बिल्डिंग में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, मेरे घर है दो माले पे, 202 बीविंग 202 में, किचन में सारे बर्तन गिरते हैं, कांच के बर्तन हिलते हैं लाइक एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसको काम करने के लिए 5 दिन से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि कंप्लेंट रुका, काम रुका, काम रुका, ये नहीं रुकता। कैसा रुकेगा नहीं पता चलता है, तो इसको रुकाना है। इसके लिए पूरा अमृत नगर मेरे साथ है, जितने हैं सबको मैंने बात किया हूँ, सबको मालूम है, क्योंकि ये एक आदमी का किसी का फ़ायदा नुकसान का नहीं है ना। ये कैसा है कि हम लोग की पूरी ज़िंदगी की कमाई हमारा घर होता है, बिल्डिंग गिर गई, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं, ठीक, तो किसी को कुछ नहीं मिलने का, तो सबका सब चले जाएगा। और प्लस हम लोग मुस्लिम है, हम लोग घर पर आदमी काम करता है, औरत नहीं काम करती है, हमारी माँ बहन घर पर रहती है, बच्चे घर में रहते हैं, कब गिरेगी बिल्डिंग, कब कुछ लॉस हो जाएगा, लाइफ का लॉस होएगा, कौन भर के देगा? सेंटेक वाला। बस खाली ये गारंटी ले ले हुए, डेट्स इट, ये गारंटी ले ले हुए कि भाई ये बिल्डिंग गिरेगी, ये कुछ भी होएगा, बिल्डिंग को कोई भी डैमेज होएगा तो मैं भर के दूंगा। ठीक है, और बना के मैं दूंगा, या फिर जो भी है बैठ के बात कर ले हमसे, पूरा अमृत नगर के लिए, क्योंकि खाली मेरी बिल्डिंग के लिए नहीं, ये 36 साल पुराना जो है बिल्डिंग, हाँ, तो ये 36 साल पुराना फाउंडेशन है, ये कभी भी गिर जाएगी, राइट? और अभी तक पुलिस स्टेशन में आपने एनसी डाला है क्या? पाँच दिन से पुलिस आती है, काम रुकता है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पुलिस आती है, जब तक रुका देता है, मशीनरी देखो कितनी बड़ी बड़ी है। हाँ, तो ये मशीनरी है, ये रुका देता, पुलिस आती है तो 5 मिनट के लिए पुलिस वापस चली जाती है, वापस चालू। हाँ, कोई मेन आया अभी तक आया नहीं बात करने? मैं 5 दिन से लगा हूँ इसके अंदर, और फिर उसके बाद में धीरे 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 इकट्ठा करके, कल हम लोग के यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जो यहाँ पे यही एरिया में एनआरसी का प्रोग्राम था, तो उसके अंदर भी यही सब था कि हम लोग पूरे अमृत नगर वाले लोग ने, यही क्वेश्चन तो सबको मालूम है, और अमृत नगर के सब लोगों ने मिलकर, सब सोसाइटी ने मिलकर गोरेगांव पुलिस स्टेशन कंप्लेंट किया है। ठीक है, गोरेगांव पुलिस स्टेशन भी कंप्लेंट सुनता नहीं है, गोरेगांव पुलिस स्टेशन वाले का ये नहीं सुनता है। अच्छा, हाँ, मतलब कोई सुनवाई नहीं? हाँ, मतलब पुलिस की ये नहीं मानता, होता है
तो फिर बिल्डर आप मतलब जिम्मेदारी ले लीजिए। बस ये है कि इसको भी परमिशन हमारी गवर्नमेंट ने ही दिया है काम करने का यहाँ पे, ठीक है। बस खाली दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आता 24 फुट दूर पे यानी 24 मीटर की दूरी पे ये गिर जाएगा तो क्या क्या होगा, हमारा चला जाएगा, इसका कुछ नहीं जाता है, तो इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। बस संजय सूर्वे, यहाँ पे ऐसा एक पाइलिंग मशीन है वो इतनी ज़ोर से वाइब्रेट करती है पूरी ज़मीन हिलती है। इन लोग की 26 साल पुरानी बिल्डिंग है, 26 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इनके बर्तन गिरते हैं, परेशानी होती है, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते पूरा दिन, मतलब सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक ही काम चलता है, 6-7 बजे तक, तो बर्तन गिरते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो लोग नमाज अटेंड नहीं कर पा रहे, सीनियर सिटीजन आराम नहीं कर पा रहा है, ऐसा इनको नींद भी नहीं मिल रही है। स्टेशन में गए थे अभी तक, वहाँ तक दो तीन बार जाके आए, तीन बार उनका बोलना है आप लेटर MMRDA को दो। अच्छा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या काम तो बंद नहीं करा सकते हैं। कल को कुछ हादसा होगा तो फिर हाँ वही हमारा बोलना वही है कि अगर कल को बिल्डिंग गिरती है, कोई कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, पुलिस रहेगी या बिल्डर रहेगा या MMRDA रहेगा, कौन रहेगा? ये दस्तखत कोई दे रहा है कि खाली? कोई नहीं कुछ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई नहीं। लेकिन अभी अपना पूरा अमृत नगर को हम लोग ने इंटीमेशन कर चुके हैं, सब लोग के अमृत नगर सब आपके सपोर्ट में? हाँ सब टोटल सब लोग, एक आदमी का नुकसान नहीं। अभी हम लोग सब घूम घूम के सबका साइन ले रहे हैं, सब लोग घूम घूम के साइन ले रहे हैं सब।